ओके, वी आर बैक अगेन। इन द आइडल ट्रांसफॉर्मर सर्किट फाइंड वी नॉट एंड द कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। तो सोर्स ये है, ये कितनी कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड कर रहा होगा, एंड हमें फाइंड करना वी नॉट। तो वी नॉट कैसे निकलेगा? वी नॉट जो निकलेगा, यहाँ पे देखो, वी नॉट इक्वल्स टू कितना होगा, करंट इंटू ये वाला इम्पिडेंस। तो ये हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल्स टू, करंट आई आ रही है, इसको मैं क्या लिख लूँगा, 24 एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री, है ना, इंटू आई टू। तो अगर मुझे आई टू पता चल जाए तो मैं वी नॉट कैलकुलेट कर सकता हूँ। और मुझे चाहिए कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर के लिए क्या चाहिए मुझे, वोल्टेज इंटू करंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो उससे निकल रही है। तो आई वन यहाँ से निकल रही है तो मुझे आई वन भी चाहिए, ठीक है, आई वन भी चाहिए और आई टू चाहिए, मुझे दोनों करंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले देखो कितना इम्पिडेंस दिखाई देगा मुझे, मैंने कहा इसको जेड एल, और यहाँ से जो इम्पिडेंस दिखाई देता है उसे कहते हैं हम जेड आर। तो जेड एल जो होगा वो क्या होगा, 16 और -J24 दो ही इम्पिडेंस है यहाँ पे, दोनों किस में, सीरीज में। तो 16 -J24 हो गया जेड एल, और जेड आर जो होता है वो होता है N1/N2 का स्क्वायर इंटू जेड एल, ठीक है। तो N1 कितना, N1 और N2 का रेशियो 1/4 है, स्क्वायर इंटू जेड एल कितना, 16 -J24। तो ये हो जाएगा 1/16, 16 से डिवाइड करो ये आएगा 1, -J24/16 हो जाएगा 1.5 इतने ओम, ठीक है। जेड आर आ गया, ये जेड आर यहाँ से होगा। तो I1 क्या होगा, I1 देखो मैं इक्विवेलेंट सर्किट एक बार दोबारा से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, किस टाइप का दिखेगा सर्किट। अब 100 एट एन एंगल ऑफ जीरो, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर लगा है, इसमें करंट I1 है, यहाँ पे आ गया ये जेड आर जो आया हमारा, इसको मैंने कह दिया जेड आर 1 -J 1.5, ठीक है। मुझे I1 चाहिए पहले, तो I1 कितना आ जाएगा यहाँ से, 100 एट एन एंगल ऑफ जीरो 2 + 1 - J 1.5। तो I1 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट तो कर ही लेंगे आई होप। ये कितना हो जाएगा, 3 - J 1.5, नीचे वाले को चेंज कर लो किस में, फेजर में। तो 3 का स्क्वायर + 1.5 का स्क्वायर, एंगल आएगा माइनस, क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 10 inverse 1.5/3। तो I1 कितना आ जाएगा यहाँ से, 100 अपॉन इस वाले को सोल्व करेंगे तो वो आएगा 29.81, एंगल आएगा ये 10 inverse 1/2 हो जाएगा, 10 inverse 1/2 होता है 26.56, ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 26.56, ठीक है। I1 आ चुका है हमारा, अब क्या चाहिए मुझे, इतने एम्पियर I1 आ गया। अब मुझे चाहिए, मैंने कहा पहले मुझे वी नोट निकालना, वी नोट के लिए मुझे चाहिए I2। तो यहाँ पे देखो मैं रूल बताया था I1 और I2 के लिए क्या रूल होता है, I1 upon I2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, N2 upon N1 के। लेकिन हमें मैंने बताया था साइन कैसे लेना, N1 और N2 का जो ये साइन है वो कैसे लेना। यहाँ पे दोबारा से आते हैं, I1 इस वाले डॉट में एंटर कर रही है और I2 ऐसा आ रही है, ऐसा आ रही है, तो ये भी एंटर कर रही है। जब I1 और I2 एंटर करती हैं दोनों, या दोनों लीव करती हैं, तो यहाँ पे आता है नेगेटिव, अगर एक एंटर दूसरी लीव करे तो आता है पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो मैंने ये पिछले वाली वीडियो में बताया था, इसमें बता दिया। तो यहाँ पे देखो I1 आ चुका हमारा, हमें चाहिए क्या, I2। तो I2 क्या आया, हम I2 को इधर ले गया, I2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये इधर आ जाएगा -N1/N2 × I1, ये किसके इक्वल आ गया, I2 के। तो I2 जो आ गया हमारा N1/N2 यानी 1/4 मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया हमारा I1, 29.81, 26.56 इतने एम्पियर। तो हमें चाहिए क्या, V नोट कितना हमारा, मैंने यहाँ पे लिखा था देखो 24 - 90 उस I2 की मल्टीप्लाई है। इस देखो ये -1 आ रहा यहाँ पे, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को
वन बाय फोर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इस वाले को ऐसे, ये माइनस को खत्म करने के लिए मैंने उसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये डिग्री है। तो वी नोट कितना आ जाएगा, 4 से ये 6 टाइम्स कैंसिल, और 6 की 29.81 में करेंगे तो 6 की मैंने मल्टीप्लाई 29.81, यह आएगा 178.86, 178.86 एंगल आएगा, ये -90 प्लस 180 होगा 90 प्लस ये हो जाएगा 116.56 इतने वोल्ट, ठीक है, वी नोट की वैल्यू आ गई। और हमसे क्या पूछा नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय सोर्स, तो कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय सोर्स कितनी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय सोर्स जो होगी वो कितनी होगी, उस सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय उससे फ्लो होने वाली करंट। तो देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, 100 एट एन एंगल ऑफ जीरो, उससे करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 का क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यानी 100 एट एन एंगल ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय I1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो I1 जो आई थी ये एंगल से पहले का साइन अपोजिट कर देना जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 29.81, ये हो जाएगा एंगल माइनस का 26.56। तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 29.81, और जीरो में ये ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -26.56 इतने वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर। तो हमारा दोनों पार्ट आ चुके हैं जो जो हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो अब आई होप आप सारे वीडियो देखते चल रहे हैं इसी तरह से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा अगर आप सारे वीडियो देखते चलते हैं मेरे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।